राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा हल। বারাণসীর পূজারী লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতর পৌরোহিত্যত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে রামলালার। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বৈদিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ করার পাছতে অযোধ্যাত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে, রাম মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ভারতের অনাগত এহাজার বছরের ভেটি নির্মাণ করিলে। 22 জানুয়ারী 2024 কেবল এটা তারিখ নহয়, এয়া নতুন দিনের শুভারম্ভ। আজ হামারে রাম আ গয়ে। 22 জানুয়ারী 2024 কা ইয়ে সূরজ এক অদ্ভুত আভা লেকর আয়া হ্যায়। 22 জানুয়ারী 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। প্রাণ প্রতিষ্ঠার মুহূর্তর পরাই এখন সক্ষম সর্বাত্মক তথা তুলনাহীন দেশ গড়ার বাবে কাম করে যাওয়ার অঙ্গীকার করিলে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। লগতে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে, রাম মন্দিরর নির্মাণ কার্যই ভারতীয় সমাজের পরিপক্কতারে প্রতিফলন ঘটাইছে। রাম ভারত কি আস্থা হ্যায়, রাম ভারত কা আধার হ্যায়, রাম ভারত কা বিচার হ্যায়, রাম ভারত কা বিধান হ্যায়, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। বিশ্বর রাম ভক্তই উদযাপন করিলে রাম মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। নিউ ইয়র্কর টাইম স্কোয়ারতো বহু ভারতীয় রাম মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়ক একেলগে প্রার্থনা করিলে। রাম লালাকে ইস মন্দির কা নির্মাণ भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। প্রধানমন্ত্রী মোদীর পূর্বে জনসভা সম্বোধন করে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে কলে, অযোধ্যাত আর গুলি বারুদর শব্দ নুশুনে, অযোধ্যাত আর কার্ফিউ জারি করা নহয়। নিশ্চিন্ত রহিয়ে, অযোধ্যা কি গলিও মে আব গোলিও কি গড়গড়াহট নাই হোগি, কার্ফিউ নাই লাগেগা, अभी तो यहाँ दीपोत्सव, रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होंगी। অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকি রাম মন্দিরর কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ দেবগিরিয়ে প্রধানমন্ত্রী তপস্বী গুণর বর্ণনা করে কয়। मैंने तो कहा था हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था
आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है, आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं, आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नोटिस।